अभी जाके जो है हमारे को जोधपुर और वडोदरा वाले जो 3 राइडर थे वो हमें मिल गए, जो हमारे साथ जिस पर जिन्होंने कैंप किया था, तो अब वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर गए। पहले तो हम लोग सरचू मिले, तो हम लोग को सरचू बोलता, फिर हम लोग उनको सरचू में नहीं मिले तो वो सीधा आगे बढ़ने लगे और हम उनको मिल ही गए यहाँ पे। तो अब हम सब सारे इकट्ठे हो गए पांग जा रहे हैं। तो अभी जो है भाई एक पास आने वाला है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो उस पास की चढ़ाई करनी है, उसके बाद जो है पांग आएगा। तो फटाफट से भाई पांग पहुँचना है कैसे भी करके। और ऊपर मौसम देख रहे हो काला हो गया भाई, अल्लाहुम्मा खैर भाई खैर हो जाए, फटाफट से घर पहुँच जाए राइड, और अरे राइड कर रहा हूँ, फटाफट से रूम पे पहुँच जाए और रेस्ट करें। तो भाई ये है विस्की नाला, मतलब कि इसका नाम था विस्की नाला, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ से सब कुछ ख़त्म कर दिया है, पानी नीचे से वहाँ से नीचे नीचे जा रहा है, तो विस्की नाला ख़त्म हो चुका है, बट ये नाम वही रहेगा इसका। तो ये हो गया विस्की पुल एक तरह से, देखो लिखा ना विस्की सेतु। अच्छा ब्रिज को सेतु बोलते हैं हिंदी में शायद से। तो ये है विस्की नाला, तो ये नाला है जी, लेकिन अभी नाला सूखा पड़ा है पता नहीं क्यों, ये नाला पहले ऐसे हुआ करता था। चलो निकलते हैं, विजिट अगेन, या श्योर विजिट अगेन, हम आएंगे दोबारा। तो भाई घाटा लूज आ गए हम लोग, अब यहाँ से घाटा लूज की जो 21 हेयरपिन बैंड है ना उसे चढ़ना है, ठीक है जी। 21 तरीके 21 मोड़ है यहाँ बेसिकली, और ये करते करते ऊपर पहुँच जाएंगे हम लोग। और मुझे लग रहा था शायद पहले वाला जो हम वो कर रहे थे ना जिंग जिंग बार वाला, उसके बाद मुझे लगा था शायद वो वाला है घाटा लूज बट कोई बात नहीं, ये था भाई। चलो कोई नहीं यार, देखो बंदा अपनी चीज़ों से अपनी गलतियों से सीखता है, उस टाइम मुझे लगा घाटा लूज से, क्योंकि वो भी ना ऐसे 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 था, तो इसलिए मुझे लगा लगा तो मैंने बोल दिया कुल मिला के ये है कि हम भी घाटा लूज चढ़ चुके हैं अपनी स्प्लेंडर से आराम से वो भी, ठीक है जी। भाई मैं आपको रोक के थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊंगा नीचे का, कि ये जो 21 हेयरपिन बैंड है वो कैसे दिखता है ऊपर से, ठीक है। देखो शायद अगर आपको अगर दिखे तो, ये यहाँ रोक देता हूँ मैं, ये यहाँ पे, ये देखो दिख रहे रोड ऐसे 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 ऐसे, भाई साहब जो होता है वो हो गया ख़त्म, ठीक है जी। और भाई साहब थका दिया, सबसे पीछे मैं ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना वो दिखाने चक्कर में आप लोगों को, और फिर उसके बाद क्या होता है कि रह जाता हूँ फिर, है ना। ये देख रहे हो भाई साहब, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, अभी बहुत ऊपर, हम बहुत ऊपर आ चुके हैं, और ये लगा लो आप कि अभी और आगे जाना है और अभी भी पांग यहाँ से 41 किलोमीटर दूर है, सोचो। और टाइम हो रहा है करीब करीब 4:15 का टाइम हो रहा होगा, अंधेरा होने से पहले या अंधेरा होने तक हमें पांग पहुँचना है एनी हाउ। एक और ट्रक गिरा हुआ मिला भाई अपने को, एक जब मिला था जब जिस पास चले थे, ठीक है, दीपक ताल के आसपास, और एक ये गिरा मिला भाई साहब। अब ये कहाँ से गिरा है तो पता नहीं, बट गिरा हुआ है भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से, पत्थर लेके जा रहा था ये, उन्होंने टाइल वाले पत्थर, पता नहीं भाई बचा हुआ नहीं बचा हुआ, बंदा बच गया हो तो अच्छी बात है मालिक। भाई साहब तो नीचे एक ट्रक ख़राब होने की वजह से वहाँ के भी ट्रक रुक गए और आर्मी के भी ट्रक रुक गए, अब सोचो यार कैसे करेंगे। जय हिंद सर, बहुत प्राउड फील करते हैं यार इनको देख के ना, मतलब मन अलग ही होता है, मतलब देख के ना अलग ही जोश आता है। जय हिंद, जगह है मेरे लिए, है भाई है, निकल जाएगी छोटी सी गाड़ी है निकल जाएगी। ओ भाई ओ भाई ओ ओ भाई, अरे थोड़ा साइड पे लगवा लो भाई, ओ भाई बगल में खाई है और मेरा ही चल रहा हूँ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब हाइट अच्छी खासी आ गई है, माउंटेन सिकनेस हो रही है। ले 210 करू है भाई, 175 उपसी, 160 तांगलांगला, 100 पांग 34, हमें पांगलांग जाना है। सर जय हिंद, एक ट्रक ख़राब हो गया उसके चक्कर में सबकी लाइन लग गई। हाँ सही है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? नीचे जाओगे? नीचे सर कहाँ पे, जिसपा के आसपास, जिसपा के आसपास, पठानकोट जाओगे? ओके 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 ठीक है सर, बाय बाय। ओए होए ओ भाई, तो भाई ये लगा लो कि यहाँ पे आने में ना
साहब भाई साहब हालत खराब हो गई मेरी, नकीला टॉप पहुंच चुके हम। एल्टीट्यूड देखो 15,547 फीट भाई, बहुत होता है। ओम भाई सर दर्द हो रहा भाई। अल्टीमेट वाला भाई साहब, हाँ खानी पड़ेगी। तो भाई ये नकीला टॉप है, ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि तो मैं क्या ही बताऊँ यार, अच्छी खासी हाइट है, अच्छी खासी हाइट। फोटो तो बनता है अपनी खुशी का यहाँ पे। अब नीचे उतरना होगा हमारे को, हम बहुत ऊपर चढ़ लिए हैं। वो देखो यहाँ से यूँ उतरते हुए नीचे उतरना है, फिर उतर जाना है, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। फिलहाल तो फोटो ले लें भाई जल्दी से। भाई कोई टॉप तो आया है, कौन सा टॉप है भाई? अच्छा लाचुंगला टॉप है भाई। ओए होए होए लाचुंगला, तो भाई लाचुंगला आ चुके हम लोग। अरे भाई साहब मेरे को लग रहा था कोई ना कोई टॉप आने वाला भाई। तो भाई लाचुंगला पास है, 16,616 किलोमीटर और 16 फीट हाइट है इसकी। हवा खराब हो गई है भाई साहब, सर फट रहा है। चलो क्या बात है, नज़ारा देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों में हम अंदर जा रहे हैं, अंडर पास नहीं। ओ भाई साहब, ओए होए देख रहे हो, बस पांग थोड़ा ही दूर रह गया भाई, कुछ मेरे ख्याल से 10-1 किलोमीटर रह गया है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पांग, मतलब हमने हमारा जो मतलब मेन जो था ना वो था सरचू में स्टे लेने का था, बट अभी क्या है पांग आ चुके हैं। अब कल जो है ज़्यादा लंबा हमें डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल जो है भाई ये है कोई रेस्टोरेंट, दिखा देता हूँ आपको, ठीक है जी, ये रेस्टोरेंट रहने वाला है और भाई इसके अंदर ही रूम है, तो अपना खाना पीना सब कुछ यहीं पर होने वाला है रहने के लिए। तो और बाकी पांग का नज़ारा देखो कुछ ऐसा है, देख रहे हो, ये देखो जी, हाँ अटैच्ड है, ज़बरदस्त। सामान फटाफट से अनलोड करते हैं और चलते हैं अंदर। तो दोस्तों पांग में आने के बाद ये है ऐसे, मतलब एक तरह से होम स्टे बोल सकते हैं इसको, शॉप भी है और इनका घर भी है, तो इन्होंने रूम बना रखा है। हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है यहाँ पे आते आते, मतलब सर चू रुकते ना बेस्ट था, लेकिन कल के लिए ईजी करने के लिए आज हमने टफ कर लिया, टफ़ करने में हालत ख़राब हो गई, जैसे कि आपको मेरी शक्ल से लग रहा होगा। फिलहाल यहाँ पर ठंड बहुत है और अभी हम इन डायनामोस लेके लेटे हुए, सांस भी फूल रही है यहाँ पे। ज़्यादा कुछ एक्टिविटी करूँगा ना मैं, हाथ ही लगूँगा ऐसे करके तो भाई बस समझ जाओ मेरी सांस फूल जाएगी। और हसमत के देखो क्या हाल है, दो दो रजाई में, तो हालत बहुत बुरी है भाई, बहुत ज़्यादा बुरी है। ये हमारे ओम भाई है, क्या हाल है भाई के? ओ बढ़िया भाई, मोचा हो रही है, मोचा सही है भाई। यहाँ तो भाई सब लंबा लेट हो गए, उधर देखो एक बंदा हमारा उधर पड़ा हुआ है, यूँ कर रहा है, ओह ओह ओह, उन्होंने भी डायमोक्स खाई है लेटे में, कोई दिक्कत नहीं है। ओम भाई थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांग। भाई पांग की जो ठंड है ना भाई वो अल्टीमेट है, मतलब ऐसी ठंड है कि मतलब फ़ोन की बैटरी हो लैपटॉप की बैटरी सबको ड्रेन कर देगी। और अभी भी देखो पावर बैंक पे लगा के मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट अभी उठे हम लोग और बाकी यहाँ से निकलेंगे हम आज लेह सिटी के लिए। यहाँ से अराउंड रह जाता है कुछ 175 या 180 किलोमीटर रह जाती दूरी लेह की। और बाकी कल की जो भाई जर्नी रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, कैसे कैसे यहाँ पे आए हैं, मतलब कि इतनी बुरी हालत हो गई थी। और जैसा कि मैं कहता हूँ एक इमोशन जुड़े होते हैं बाइक से, वो सच है यार। जब तक हम बाइक पे चल रहे थे ना तब तक सब कुछ सही था, जैसे ही बाइक से उतरे दिख गया कि अभी हाँ भाई होटल आ गया, यहाँ पे रूम मिल जाएगा और यहीं स्टे करने वाले हैं, उस टाइम पे बॉडी ने साथ छोड़ दिया। ऐसी हालत हो गई हमारी सबकी, ऐसी हालत हो गई, मैं आपको बता देता, हमने दवाइयाँ खाई और ये लगा लो मैं लेट गया था तो 2 घंटे का पावर नैप लिया मैंने। उसके बाद पता क्या हुआ भाई, मैं बैठा हुआ तो उठ के बैठा था खाना खाने के लिए 9:30 कितने 9:10 का टाइम हुआ, 10 बजे का टाइम था आई गेस। और ये लगा लो उपकाइयाँ से आ रही, मतलब जैसे जी में चल रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं बाहर गया, निकल के मैंने भाई वॉमिटिंग करी, पूरा पानी पानी, बहुत बुरा हाल था। मतलब
फिर दवाई वही खा के फिर दो रोटी खाई बस और फिर लेट गए। लेकिन अब बेटर लग रहा है, क्योंकि क्या है ना, हाई एल्टीट्यूड पे हमने कभी स्टे नहीं किया, और कहते हैं कि स्टे करना भी नहीं चाहिए, बस रुको और निकलो, कहते नहीं पास पे, सेम वैसी था, लेकिन हमने यहीं स्टे कर लिया। लेकिन रुकने वाले तो सरसू पे थे और हो गया कांड यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं, होता जो बढ़िया के लिए होता है, एक्सपीरियंस मिलते हैं सिर्फ से। तो फिलहाल यहाँ से निकलेंगे पांग, सामान जो है पूरा देखो, जो पूरा फैला पड़ा है मामला, ठीक है जी। और भाई रूम ऐसे होता है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ना भाई बस ये मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मिलते नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, और बाकी सामान कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, फटाफट से लोड करते हैं बाइक पे और फिर निकलते हैं, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो भाई ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट में मिलेगा हमें ब्रेड ऑमलेट, ठीक है जी। ये देखो जी वैसा वाला है, ये ब्रेड ऑमलेट डिप करके वाला है, ठीक है, चलो खाते हैं, निकलते हैं फिर। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है जी। और अब जो है वो बाइक पे मुझे हमारा लगेज सारा का सारा मैंने लोड भी कर दिया है, अभी क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है, कोल्ड स्टार्ट। अब देखते हैं पांग जैसी जगह में कितने सेल्फ में स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो भाई ये स्टार्ट कर रखी है मैंने, मतलब इग्निशन ऑन है, हाफ टैंक दिखा रहा है, क्योंकि अभी बाइक थोड़ी ढाल से खड़ी हुई है, इस वजह से 1 2 3, क्या बात है जी, एक सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो गई अपनी, बहुत बढ़िया। तो ये है FI होने का कमाल, क्यों फ्यूल इंजेक्शन जो बाइक होती है ना, वो ऑल सीजन इजी स्टार्ट होती है, ऑल वेदर बोल सकते हो, सीजन रेनिंग सीजन विंटर सीजन, तो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो अपनी बाइक इजीली स्टार्ट हो गई है एक सेल्फ में, थोड़ा रेस पड़ रखूँगा मोमेंटम बनाने के लिए, इसका हल्का सा ऑयल चढ़ जाएगा ना ऊपर, तो फिर यह दिक्कत नहीं आई कोई भी। और अभी मैं आपको दिखा दूँ कि अभी हम यहाँ से निकल कर, अगर आपको दिख रहा हो ये पहाड़ी, तो यहाँ से ना हम यूँ करते हुए ऐसे करते हुए इस पहाड़ी के उस पार जाएंगे, और 70 किलोमीटर के आसपास एक पास पड़ेगा, वो पास तांगलांगला का नाम है उसका, उस पास को क्रॉस करने के बाद ही हमें ऑक्सीजन पूरा मिलेगा, बिकॉज अभी यहाँ पे ना ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। ये भी 15,000 की हाइट है, और 15,000 की हाइट पे ना भाई हमने कभी स्टे नहीं किया, इस वजह से थोड़ी हालत बुरी हो रही है, और तो बाकी सब बढ़िया है, ठीक है ना। बाकी मिलता हूँ आपसे मैं मोटो ब्लॉग पर, स्टे ट्यून्ड। आज के दिन शुरुआत करते हैं, पांग से निकल रहे हैं हम, होटल था ये वाला, मतलब रेस्टोरेंट होटल जो भी बोलो, होम स्टे टाइप। अब यहाँ से निकल रहे हैं, चढ़ाई बहुत है यार, चढ़ना है हल्के हल्के, मैं इसलिए पहले निकल गया भाई, मेरी गाड़ी छोटी है, चढ़ेगी नहीं। नहीं चढ़ रही भाई, देखा आपने, चढ़नी पड़ी, गाड़ी छोटी गाड़ी है, इंजन छोटा है इस वजह से। अरे नहीं, ठंडी है अभी, चंडी पारी ठंडी, चंडी पारी, ओ भाई साहब 15,200 फीट पे हूँ, ऑक्सीजन लेवल कम है, बाइक का भी कम है, प्लस ये कि बाइक अभी ठंडी है। चलो चलो चलो, ओ भाई साहब, आपने देखा कैसे चढ़ रही थी, ओ भाई साहब, झूले झूले, ओ भाई साहब फट गई मेरी, मैं कहा चढ़ेगी नहीं, ओ भाई भाई लाज रख लियो खुशी, ऐसा मत करवाइयो कि मैं ऊपर चढ़ी ना पाऊँ भाई, खार दूल्हा भी नहीं जा पाऊंगा मैं तो। मतलब वो जो ब्रिज दिख रहा है आपको वाला ब्रिज,
उस ब्रिज के पास ही हमारा मतलब होटल था जहाँ हमने रात को स्टे किया था, और वहाँ से ऐसे zigzag खेलते हुए मैं कहाँ आ गया हूँ, और अभी मुझे और ऊपर जाना है भाई साहब, बहुत ऊपर जाना है। देखो जहाँ पे वो शायद आपको दिख रहे हो, वो लड़के दिख रहे हैं, वो ट्रक आ रहा है, देखो दिख रहा है ट्रक कितनी ऊपर आ रहा है। सोचो मुझे वहाँ जाना है अभी धीरे धीरे। तो भाई कोई नहीं, पहुँचेंगे आराम आराम से, पहुँचेंगे आराम आराम से पहुँचेंगे, कोई चक्कर ही नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। यहाँ से 175 या 172 किलोमीटर अब रह गया है अपना लेह सिटी। दोस्तों जो मैं चढ़ाई चढ़ रहा था वो कोई खत्म, मतलब मैं एकदम पहाड़ के टॉप पे आ गया हूँ। सीधा रोड बना हुआ है, देखो कितना प्यारा सामने नज़ारे देख रहे हो आप, इधर के पहाड़ देखो, उन पे आज भी छांव जो है उसकी शेडो वो देखो काला काला दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, और इधर देखो येलो येलो ओए होए, और ऊपर क्लियर क्रिस्टल क्लियर आसमान भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आगे। मतलब जितनी थकान आप महसूस करते हो ना रुक कर, उससे ज़्यादा अच्छी वो तो तुम्हें वो मिल जाती है एनर्जी ये सब चीज़ें देख के। ओ भाई साहब बहुत प्यारा रोड बना हुआ है, बीच बीच में छोटे छोटे पैच जो हैं आपको ख़राब मिलेंगे, देखो ये कुछ ऐसे, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम चलते चले जाएंगे। इतनी तो ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी है अपनी और अपनी बाइक की, क्या बात है, पीछे धूल धूल कर दी मैंने शीशे में देखो। तो रोड एकदम मस्त बना हुआ है यहाँ से, और अब 60 किलोमीटर रह गया कुछ टांगला आंगला, मेरे ख्याल से वो जो ऊपर बर्फ़ दिख रही है ना, मुझे लग रहा है वहीं पर होगा पास वाला, वहीं कहीं पर, क्योंकि बर्फ़ होगी वहाँ पर 100% टांगला पास में। और मैं फोर्थ गियर पे चल रहा हूँ, बाइक की स्पीड हो रही है 60 प्लस चल रही है, जो कि बहुत बढ़िया है स्पीड ऐसी जगह ऊपर। ओए होए 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 होए, नज़ारे एक से बढ़कर एक है भाई, मैं वीडियो लंबी कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्या क्या काटूँ, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे मैं कैसे मिस करवा दूँ आपको घर बैठे। ओए होए होए होए, चलो अच्छा है भाई रोड बन चुके हैं, ये बहुत अच्छा करा भाई BRO ने, बहुत बढ़िया। दोस्तों पहाड़ों पे कैसे घटा आ गई बादलों की, और काले हो गए बादल, और पहाड़ जो है काले काले दिख रहे हैं, और इधर देखो चमक आ रही है एकदम बढ़िया करके, रोड एकदम मक्खन है। और अभी आगे जाके मतलब ये रोड एकदम से टर्न हुआ है, हमें उस तरफ जाना है, देखो ऐसे क्या बात है। और इधर इधर धूप की जो शेडो पड़ती है उससे पूरा बादल काला काला दिख रहा है, एकदम डार्क। और बस मुझे ये डर है कि ऊपर बारिश ना मिल जाए यार, क्योंकि मैंने रेनकोट वेनकोट कुछ भी नहीं पहना, और अभी फ़िलहाल मेरे को ठंड भी लग रही हाथों में क्योंकि मैंने नॉर्मल ग्लव्स पहने राइट सेफ। तो अभी क्या कि मैंने ना नॉर्मल ग्लव्स पहने हुए वाले डीकैथलॉन वाले, तो यहाँ के हिसाब से ठंड पड़ रही है। यहाँ पे टांगलांगला टॉप रह गया यहाँ से भाई 51 किलोमीटर शगुन तो अपन जो है देखो यहाँ से रास्ता वो उधर जा रहा है, ऐसे उधर वहाँ की तरफ जा रहा है, इस पहाड़ी के उस तरफ ले जाएगा हमारे को एक तरह से। तो भाई लद्दाख मैं आपको बताऊँ मजाक नहीं है, भले ही रोड ऐसे बन गए अच्छी बात है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी ख़तरनाक हैं, ठीक है। तो लद्दाख को आप हल्के मत ले लेना कभी भी, सही बता रहा हूँ। तो दोस्तों हाथ देख रहे हो क्या सूखड़ गए ठंड के मारे, तो पहले वाले पहन लेता हूँ भाई ग्लव्स, इसमें क्या अंदर फर लगा हुआ है और लेदर की ऊपर लेदर टाइप कुछ कोटिंग हो रखी है, तो इसमें क्या है मामला गर्म रहेगा। लेकिन मैं सो रहा हूँ उससे पहले ना GoPro को चार्जिंग पे भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है मुझे कि ऊपर मुझे स्नोफॉल मिलेगी या बारिश, दोनों में से कुछ एक हो सकता है, क्योंकि इधर देखो मौसम क्लियर है, ठीक है नीला आसमान, और इधर देखो घटा ही घटा भाई काला आसमान दिख रहा है। मतलब ऐसा हो रखा है कि आसमान चरण पर आ रहा है कि अब बरसा अब बरसा अब बरसा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं हाइट पे अच्छी खासी हाइट पे पहुँच जाऊँगा ना, तो ये जो बारिश होगी ना ये बारिश स्नो में कन्वर्ट हो जाएगी, और स्नो से ज़्यादा मुझे वो होता है ना कि दिक्कत होगी नहीं। तो बस वही चीज़ है, कुछ नहीं, बस खाली हाँ ये कि विजिबिलिटी कम हो जाती है, वाइजर पे स्नो जमने लगती है, और स्नो जमने की वजह से दिखता नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी ये क्या बम्प है, वो क्या बात है, यूँ जा की यूँ आई, बहुत बढ़िया। सामने से मिलिट्री के आ रहे हैं 3 ट्रक, क्या बात है, इनको देख के ना भाई अलग ही घूस बम्स आते हैं। नहीं सैल्यूट है सर, सैल्यूट, क्या बात है, सारे बंदे सैल्यूट करते हैं, मुझे भी अंदर से यस, इनको भी करना बनता है, सैल्यूट है जी सैल्यूट, क्या बात है। तो ऐसे ही भाई जब आर्मी वाले दिखते हैं आपको मिलिट्री वाले, तो सैल्यूट करा करो, अच्छा लगता है। अगेन
वो भी करते हैं भाई, पता है क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हमें बंदा कर रहा है तो हम भी करें, तो वो चीज़ है, काफ़ी बढ़िया लगता है। तो बस यही दुआ है कि जल्दी जल्दी ऊपर पहुँच जाएँ एक हाइट पर, ताकि जो बारिश है वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए। वैसे मौसम तो यहाँ पे भी ठंडा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिरा हुआ है यहाँ पे, लेकिन फिर भी यार अगर बारिश हुई तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्नो नहीं गिरेगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं, तांगलांगला रह गया 37, तांगलांगला 37 किलोमीटर रह गया है। जब मैं चला था तो नहीं कितना था, 52 जने कितना, अरे मैं 25-26 किलोमीटर चल चुका हूँ। मेरा ये जानने वाला बंदा है शायद से, ये अपाची वाला, ये आया वरोदरा से, क्या हुआ दोस्त? बस रील बनाने के लिए रुका था। अरे क्या बात है, रील कहाँ बनाई तुमने? नहीं बना ली, ये टर्न है ना, ये कर्व। हाँ यहाँ रखा था ट्राइपॉड। हाँ कैसे ले ली? अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। पहले निकले क्या उनसे? मैं उनसे पहले निकला था, मतलब मैं निकला बचपन, वो रेडी हो रहे थे, मैंने कहा मैं निकल रहा हूँ। दिक्कत तो नहीं दे रही ना बाइक? सही है सही है, पहलो पहलो। तो भाई रुके थे रील बनाने के लिए। अरे यार रील बनाने का भी बड़ा झंझट है, मैं भी ट्राइपॉड ट्राइपॉड लेके आया हूँ भाई, लेके तो मैं आया था, लेकिन सही बताऊँ ना, जैसे ही ऊपर माहौल है ना, ऊपर आसमान का, उसके हिसाब से देखा जाए ना, तो बस ये हो रहा है कि भाई पहले पहुँच जाओ, रील वील छोड़ो, समझ रहे हो ना भाई? तो ये चीज़ हो रही है। खैर कोई बात नहीं, बनाएंगे जब मौका लगेगा। तो कितना प्यारा मैदान है ना, खाली एकदम, इधर देखो सूरज चाचू निकले हुए ऊपर बिल्कुल, ठीक है, और इधर की बात करूँ तो घटा भाई साहब, अलग ही माहौल है, अलग ही। बस तांगलांगला क्रॉस कर देंगे ना हम लोग, फिर बहुत इजी हो जाएगा लेह पहुंचना, और एक बार लेह पहुंच गए तो फिर ओके ओके, फिर खारदुंगला टॉप पे दिक्कत आएगी, और उमलिंगला पे भाई अभी दो जो है ना, मतलब तीन सॉरी, एक तो ये वाला तांगलांगला, फिर उसके बाद खारदुंगला, फिर उमलिंगला, भाई ये तीन टॉप ऐसे हैं जो मुझे, मतलब सबसे ज़्यादा उमलिंगला का डर है, और इसका भी डर है, और मतलब थर्ड नंबर पे इसको रखता हूँ, सेकंड पे खारदुंगला, और फर्स्ट पे जो है भाई अपना उमलिंगला है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि 19,000 की हाइट है, और लगे जिस हिसाब से लोड है ना बाइक पे, तो पता नहीं भाई डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। देखेंगे भाई चढ़ेगी चढ़ेगी, मैं वापसी आ जाऊँगा, देखेंगे फिर क्या करना होगा, ठीक है ना? फिलहाल तो आप नज़ारे इन्जॉय लो बस। वो देखो ऊपर भाई साहब, घटा ही घटा हो रही है भाई। तो दोस्तों स्नोफॉल चालू हो चुकी है, क्या बात है, ये देखो शीशे में, देखो शीशे में देखो, ओ भाई साहब इतनी तेज, ये देखो देखो रोड पे, देखो रोड पे, ओ भाई ये क्या हो रहा है, और अभी तो मैं अकेला हूँ, ओ तेरी पूरा वाइट हो रहा है मामला, बहुत तेज पड़ 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 रही है भाई साहब। थोड़ा साफ करता हूँ उसको, ये देखो भाई देखो, अरे भाई साहब कैसे गिर रही है बूंदे, अरे भाई मेरे को लग रहा था मैं आपसे कह रहा था दोस्तों, ओ भाई देखो कैसे रोड पे बिखर रही है यार, मेरी जैकेट पूरी सफ़ेद हो गई, ओ शिट, ओ भाई साहब, बस जल्दी से यार पैच क्रॉस करना है मुझे, कैसे भी एनी हाउ, ओ हो बाइक भाग भी नहीं रही, 70 पे चल रही है बस, ओए होए, ये देखो मेरी राइडिंग पैंट पे देखो, वाइट एकदम क्रिस्टल, क्या बात है गुरु, ओए होए बहुत तेज गिर रही है भाई, बहुत तेज। अभी वो लोग पीछे जब वो आएंगे वो भी खुश होंगे मेरी तरह, लेकिन वो मुझसे बहुत पीछे चल रहे हैं यार वो लोग। ओ भाई साहब कैसे आ रही है यार, बस रुक जा भाई, रुक जा बस, देखना जूते वूते, ओ भाई साहब आज तो मैंने गमबूट भी नहीं पहने, मैंने घटा, जब वाटर क्रॉसिंग नहीं मिल रही तो क्या करना है, बस रुक जा। ओ भाई साहब तेज आ रही है, एक तो माइक अडैप्टर लगा हुआ है भाई, कहीं दिक्कत ना आ जाए भाई, डर लगता है भाई, बस करो बस, बहुत है। तो दोस्तों खाड़ उसकी तांगलांगला टॉप की चढ़ाई जो है स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। अब ये लगा लो कि यहाँ से जिगजैग करते हमें पहाड़ पे ऊपर पहुँचना है, और वहाँ पे मिलेगा हमें तांगलांगला टॉप, और वहाँ की हाइट जो भी होगी कितनी फीट है मैं आपको सब बता दूंगा, बस बने रहना आप। बाकी शेडो देखो दोबारा अगेन बादलों के उस पर आगे पहाड़ों पे काले पड़ चुके हैं, और इधर देखो एकदम चमक मार रहे हैं, इधर ब्राउन है, इधर डार्क ब्राउन हो चुके हैं, ऐसा है। और बाकी उधर देखो बर्फ़ गिरी हुई एकदम, ओके ही रिपोर्ट है, बहुत मज़ेदार नज़ारा है भाई। गेट डाल दो भाई, चौथा गेट डाल दिया, आराम चलेगी अब कहना है ऐसे ऐसे करते हुए हम क्लाइंबिंग करेंगे और हम पहुँचेंगे खारदुंगला टॉप पे, फिर डाउन जाएंगे, डाउन जाने के बाद तो फिर ईजी हो जाएगा अपने लिए बहुत, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अभी हम बहुत ऊँचाई पर हैं,
अगर बात करें इस साइड की तो हमें यहाँ से घूम के वो वहाँ से उस तरफ जाना है, वहाँ पे तांगलांगला टॉप, सामने कार दिख रही होगी आपको आती हुई छोटी सी, तो वही रोड ऐसे कनेक्ट होकर हमें सीधा वहाँ पहुँचना है। बहुत बर्फ़ पड़ी होगी ऊपर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसे कि इसे देख सकते हैं आप एकदम क्रिस्टल क्लियर वाइट यहाँ पे स्नो मिल रही है देखने को, देख सकते हैं कितनी फ्रेश स्नो है ये। और बात करें अगर वहाँ की तो वहाँ पे तो अलग ही आलम होगा। और दो भाई वो खड़े हुए बड़ोदरा वाले जो हमारे साथ रात को रुके थे पांग में, और जिन्होंने जिस पर मैं हमारे साथ कैम्प किया था, तो वो बंदे यहाँ पे खड़े हैं। ये लोग शायद फ़ोटो क्लिक करवा रहे होंगे या फिर वेट कर रहे होंगे इन भाई का जो पीछे हमारे चल रहे हैं। क्या हाल है भाइयों के? चलो 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 चलो। तो ऊपर जाना है भाई, देखो भाई चढ़ जाए, बस मुझे बहुत उम्मीदें हैं चढ़ जाएगी। वैसे देखते हैं बाकी भाई क्या होगा, जो भी होगा आपके सामने होगा, या तो बेइज्जती हो जाएगी या भाई इज्जत लग जाएगी या इज्जत बन जाएगी, है ना भाई, देखते हैं, बने रहो। तो दोस्तों यहाँ से कुछ 3 या 4 किलोमीटर रह गया है तांगलांगला टॉप, बस वहीं पहुँचने वाले हैं अपन। और ये रोड भाई साहब ऐसा ज़बरदस्त बना हुआ है ना, ऊपर अच्छा ही रोड बन गया है, अगर उबड़ खाबड़ होता तो कितना टफ हो जाता। ये रोड ले जा रहा है हमारे को ऐसे घुमाते हुए, वो जो पहाड़ दिख रहे हैं उसके जस्ट पीछे ही तांगलांगला हुआ, क्योंकि ये किलोमीटर के हिसाब से मैं देखूँ तो इतना ही बनता है 3-4 किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी तो भाई नज़ारा एक नंबर है, मौसम देखो आप कितना क्लियर है, और अभी भी अपनी बाइक जो अच्छे से चल पा रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे चलने चलाने में। और ये भाई लोग आए हुए देखो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, वडोदरा, ये भाई जोधपुर से हैं, वो भाई वडोदरा से हैं, दोनों भाई मज़ेदार। और हमारे 3 भाई जो हैं वो पीछे चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उनका मैं आगे वेट करूँगा, जितना ज़्यादा जल्दी मैं कवर करूँगा उतना बेटर है। पता है क्यों? क्योंकि यार मेरी बाइक का इंजन छोटा है, अब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो तो मुझे बीट कर देंगे बड़े प्यार से, तो इसलिए मैं आगे चल रहा हूँ कि जितना मैं आगे चलूँगा उतना बेटर है। तांगलांगला टॉप रह गया 2 किलोमीटर दोस्तों। ओए होए 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 होए, तो वीडियो कैसी लग रही है और ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं तांगलांगला टॉप। इसकी हाइट कितनी रहने वाली है ये मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और भाई साहब बड़ी खुशी मिल रही है यहाँ पर आके, ज़्यादा देर रुकना नहीं है क्योंकि यहाँ पर रुकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये लो जी 17582 किलोमीटर, ओ 82 फीट, क्या बात है भाई क्या बात है, लव यू खुशी लव यू। ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई मुबारक हो। एक अच्छी खासी हाइट अचीव करी हम लोगों ने, तो भाई छोटी बाइक के साथ साथ यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ जिसपा में, हाँ हाँ तो वही है, तो यही भाई एन एस 200 है। हाँ 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 चलो अच्छी बात है यार। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों तांगलांगला हम पहुँच चुके हैं बड़े आसान, मतलब बड़े प्यार से। अब यहाँ से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हाइट ज़्यादा है, 17582 फीट। तो यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए, अब उतरना है हमारे को, ठीक है जी। क्लाइंबिंग काफ़ी कर ली, अब डाउन जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हुआ देख के तांगलांगला टॉप। ओ भाई साहब सर में दर्द हो गया मेरे, ओ भाई आप ये सोच रहे होगे कितने नाजुक है दानिश भाई, भाई नाजुक नहीं है, अच्छे अच्छों के बंदों की हवा निकल जाती है इतनी हाइट पर आकर। चक्कर क्या है ना, देखो हम यहाँ इतनी ऊंचाई पर तो रहते नहीं, हम दिल्ली में रहते हैं पॉल्यूशन से भरी, ठीक है जी, और वो उसकी हाइट कितनी कम होती है, और यहाँ कितना ऊपर आ चुके हैं, बर्फ़ देखो क्या जमी हुई है। ओए होए होए, आराम से आराम से आराम से, पता चले बर्फ़ जमी हो। ब्लैक आइस हसमत, ब्लैक आइस है, आराम से चलाइए। ओ भाई साहब बर्फ़ देखो क्या जमी हुई है, लेकिन ये काली काली हो गई, गाड़ी जाते थे छपक्का मारती हैं छप 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 छप, इस चक्कर में बुलेट वाला भाई। राइट सेफ, लो जी लो, मैं भाई जब दूसरों की वीडियो, रुक जा तेरा मर्डर करूंगा साले, रुक जा तेरी, तू बहुत बोल रहा था फालतू। दोस्तों जब मैं दूसरों की वीडियो देखता था ना, तो मैं सोचता था कि ये डंडी हाथ में मैं कब लूंगा, ये तेरी साले दिचके आऊं।
ओ भाई नहीं मर हो जाएगा। तो भाई साहब ये आलम है, थोड़ी सी आएगा, थोड़ी सी आएगा, थोड़ी सी हल्की जाए कर ले 2 मिनट के लिए बस। बस रोक ले, गाड़ी बंद कर दे।